ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टेली के इस अध्याय में हम सीखेंगे ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री कैसे करें, यानी हाउ टू एंटर ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको जर्नल में लिखा जाता है या उनकी जर्नल एंट्री की जाती है। ये कैसे करें ये समझाने के लिए हमने प्रकाश का उदाहरण लिया है। प्रकाश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 रुपये से, और रोज़मर्रा में उसके जो भी ट्रांजैक्शंस हुए वो सब उसने एक साथ एक कागज़ पर अपनी याददाश्त के लिए लिख लिए। ये सारे जो हैं यहाँ आपको वो जो उसके ट्रांजैक्शंस हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे के सारे उसने एक कागज़ पर लिख लिए। अब इन ट्रांजैक्शंस के जर्नल में एंट्री के पहले हमको जो कुछ बातें ध्यान रखनी हैं वो हम पहले आपको बता देते हैं। जर्नल एंट्री के समय ध्यान रखें, कोई भी ट्रांजैक्शन है उसमें प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं। सबसे पहली बात जो आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है, हर ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले दो खातों को देखना है। दूसरी चीज़ हमको देखना है, खातों का प्रकार क्या है, यानी प्रभावित होने वाले खाते नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं या रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं या फिर पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। और तीसरी चीज़, प्रभावित होने वाले खातों के नियमानुसार डेबिट और क्रेडिट होने वाले खाते कौन से हैं, यानी उन जो खातों का प्रकार है उसमें कौन से नियम लगेंगे और उसके अनुसार कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा, और उसके अनुसार ही हम जर्नल में उनकी एंट्री करेंगे। इन बातों का ध्यान रखते हुए आइए अब हम देखते हैं कि सारे ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री कैसे की जाए। अब हम देखते हैं हमारा पहला ट्रांजेक्शन। पहला ट्रांजेक्शन हमारा यहाँ पर है, प्रकाश ने व्यापार प्रारंभ किया। अब यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि हर ट्रांजेक्शन में दो खाते प्रभावित होते हैं, अब यहाँ पर हमको ये जानने की कोशिश करना है कि इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। अब प्रकाश ने 20,000 रुपये लगा करके बिजनेस प्रारंभ किया है, तो ये नगद उसने रुपये लगाए, तो एक चीज़ तो यहाँ पर हमको पता चल जाती है कि यहाँ पर क्योंकि कैश लग रहा है तो एक तो हो गया कैश अकाउंट। अब दूसरा क्या होगा वो यहाँ पर स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पहले बताया है कि जब भी कोई बिजनेस शुरू किया जाता है तो जो भी कैश अमाउंट हमने उसमें लगाया है या फिर जो भी माल लगाया है वो सब कैपिटल के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर प्रभावित होने वाले खाते हैं कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को एक बार अच्छे तरह से विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। एक बार ध्यान रहे कि व्यापार के स्वामी के नाम का कोई खाता नहीं खोला जाता है। जब भी व्यापार का स्वामी, जैसे यहाँ पर प्रकाश है, तो जब व्यापार का स्वामी पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करता है तो इसके लिए कैपिटल अकाउंट खोला जाता है। इसका कारण यह है कि व्यापार और उसके स्वामी को अलग अलग माना जाता है। यहाँ पर प्रकाश जिसने कोई भी बिजनेस शुरू किया है और बिजनेस, ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं, इसलिए व्यापार का स्वामी जो भी कैश या माल व्यापार में लगाता है वह व्यापार का ऋण है, और व्यापार इस दृष्टि से बिजनेस का जो भी ऑनर है उसका ऋणी बन जाता है, यानी डेटर बन जाता है, और व्यापार का जो स्वामी है वो उस बिजनेस का क्रेडिटर बन जाता है। लेकिन दूसरे क्रेडिटर्स की तरह इस क्रेडिटर का, यानी जो भी बिजनेस का स्वामी है, उसका कोई व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जाता बल्कि कैपिटल अकाउंट खोला जाता है, और इसे हम व्यापार के स्वामी का पर्सनल अकाउंट कह सकते हैं। जब व्यापार के स्वामी एक से अधिक होते हैं तो कैपिटल के साथ उनका नाम भी जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए ये व्यापार जो है उसका स्वामी केवल प्रकाश न होकर के प्रकाश और सूरज, ये दो लोग अगर इसके स्वामी हैं तो कैपिटल के साथ हम उनका नाम जोड़ देंगे और फिर ये हो जाएगा प्रकाश का कैपिटल अकाउंट और सूरज का कैपिटल अकाउंट, और इसमें उनके द्वारा जो भी रकम लगाई गई है वो लिखी जाएगी।
अब हमें देखना है कि कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये किस प्रकार के खातों के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पर कैश जो है, जैसा कि हमने आपको जब खातों के प्रकार बताए तब समझाया था, वो खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं वो रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो कैश है वो हमारी संपत्ति है, इसलिए ये आ जाएगा रियल अकाउंट के अंतर्गत। कैपिटल अकाउंट जो है ये प्रकाश का खुद का खाता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं ये वो खाते होते हैं जो किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्था या कंपनियों से संबंधित होते हैं। तो ये कैपिटल अकाउंट प्रकाश से संबंधित है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। तो ये देखिए, कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। और अब हमको इसमें से किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो हम करेंगे इनके लिए जो नियम बने हैं उसके अनुसार। प्रभावित होने वाले खातों के नियम जो हमने पढ़े थे, एक बार यहाँ पर हम आपको फिर बता रहे हैं। रियल अकाउंट्स में नियम है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो रियल अकाउंट में व्यापार के अंदर क्या आया? कैश, तो ये हो जाएगा डेबिट। व्यक्तिगत खाते का नियम है, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो अब ये जो कैपिटल अकाउंट है ये प्रकाश का अकाउंट है, और प्रकाश ये कैपिटल देने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसको क्रेडिट करना है। ये देखिए, इस तरह से अब इसको लिख दिया जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट। अब हम आते हैं हमारे अगले ट्रांजेक्शन पर, जो है राम से माल खरीदा। अब यहाँ पर एक बात हम आपको बता दें कि जब ट्रांजेक्शन में यह नहीं दिया रहता कि माल नकद बेचा गया है या उधार, जैसा कि यहाँ पर लिखा है राम से माल खरीदा, नकद खरीदा या उधार, ऐसा जब न लिखा हो परंतु व्यक्ति का नाम दिया हो, जैसे यहाँ पर राम ये नाम दिया है, तो इसका अर्थ यह होगा कि माल उधार बेचा गया है या खरीदा गया है। तो यहाँ राम से माल खरीदा, इसका मतलब यह उधार खरीद है। अब यहाँ पर भी हमको यही देखना है कि इसमें कौन कौन से दो खाते प्रभावित हुए हैं। प्रभावित होने वाले जो खाते हैं, चूंकि यहाँ पर माल खरीदा है इसलिए एक तो हो गया परचेस अकाउंट, और दूसरा जो खाता है वो राम का खाता। अब परचेस अकाउंट जो है वो आएगा नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में इसलिए आएगा क्योंकि जैसा कि हमने पहले खाते के प्रकार में सीखा था कि ये वो खाते होते हैं जिनका संबंध किसी लाभ या हानि या फिर आय या व्यय से होता है। अब यहाँ पर जब हमने माल खरीदा, इसका मतलब खर्चा हुआ, तो एक तरह से परचेस अकाउंट जो है वो खर्चे में आता है, वो एक प्रकार का व्यय है, इसलिए ये आएगा नॉमिनल अकाउंट में। और राम का जो खाता है वो तो व्यक्ति से संबंधित हो गया, इसलिए वो आएगा पर्सनल अकाउंट में। तो ये परचेस अकाउंट ये हो गया नॉमिनल अकाउंट, और राम हो गया पर्सनल अकाउंट। अब इनके जो नियम हैं उसके अनुसार हमें इन्हें डेबिट या क्रेडिट करना है। तो प्रभावित होने वाले खातों के नियम कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स का नियम है व्यय एवं हानियों को डेबिट करो, आय एवं लाभों को क्रेडिट करो। तो चूंकि ये हमारा व्यय है इसलिए ये डेबिट होगा, और व्यक्तिगत खाते का नियम है पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ पर देने वाला राम है इसलिए ये क्रेडिट होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम।